दोस्तों, आज हम एक ऐसे सिंगर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बॉलीवुड के टॉप सिंगर में से एक माने जाते हैं, जिनका नाम है सोनू निगम। इनका जन्म 30 जुलाई 1973 ईस्वी को हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में हुआ था, जो हिंदी फिल्मों के अलावा उड़िया, तमिल, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु तथा मराठी फिल्मों में भी गाना गा चुके हैं। इन्होंने बहुत से फिल्मों में काम किया है तथा एक से एक पॉप एल्बम भी बनाया है। यह बात जानकर हैरानी होती है कि सोनू निगम को बचपन से ही लगता था कि गायकी बहुत ही आसान है। उन्होंने मात्र 4 साल की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। इनके पिता अगम कुमार निगम और मां शोभा निगम दोनों ही पहले से ही स्टेज पर परफॉर्मेंस किया करते थे। इनके अलावा वे शादियों पार्टियों में भी परफॉर्मेंस किया करते थे। सोनू निगम बचपन से ही गाते आ रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने पिताजी के साथ मंच पर मोहम्मद रफी का गीत क्या हुआ तेरा वादा गाया था। तभी से शादियों और पार्टियों में अपने पिताजी के साथ जाने लगे और जैसे जैसे बड़े होते चले गए वे संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने लगे थे। और मात्र 19 साल की उम्र में गायन को अपना व्यवसाय बनाने के लिए अपने पिताजी के साथ मुंबई आ गए। उन्होंने शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से शिक्षा ली और शुरू के कुछ साल सोनू को अपना नाम बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। गायक के रूप में सोनू निगम ने अपना पहला गीत फिल्म जन्म के लिए गाया, जो कि कभी भी औपचारिक तौर पर रिलीज नहीं हुआ। तभी उन्होंने रेडियो पर विज्ञापन बना शुरू किया। उनको बड़ी सफलता तब मिली जब उनका गाया हुआ गाना अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का 1 जनवरी 1993 ईस्वी में रिलीज हुई। फिर 1995 ईस्वी में टी सीरीज ने बेवफा सनम फिल्म में ये गाना अनुराधा पौडवाल के साथ फिर से रिलीज किया। बाद में 1995 ईस्वी में जी टीवी के प्रसिद्ध कार्यक्रम सारे गामा का उन्होंने संचालन शुरू किया। कुछ ही दिनों में यह कार्यक्रम बहुत ही प्रचलित हो गया और उनकी अगली सफलता 1997 ईस्वी में बॉर्डर फिल्म के गीत संदेश से आते हैं के रूप में आई। 1999 ईस्वी में उनकी पहली सोलो एल्बम दीवाना आई, जिसमें उन्होंने प्रेम गीतों में अपना जोर दिखाया और आज भी यह एल्बम भारत की सबसे सफल एल्बमों में से एक है। और इस प्रकार उन्होंने एक से एक सुपरहिट सॉन्ग्स गाते चले गए और आने वाले पीढ़ियों के लिए मिसाइल बन गए। तब से अब तक सोनू निगम भारतीय संगीत जगत के एक प्रमुख हस्ती बन चुके हैं।